तो ये बात है कुछ दिन पहले की, जब मैं अपना पीवीपी स्किल टेस्ट करने के लिए एक रैंडम सर्वर में चला गया। I am noob। आप लोग को जितना लग रहा है उतना नूब हूँ नहीं मैं। एक्चुअली उनका एम एकदम परफेक्टली मेरे पे लग रहा था और मेरा एम उन पे लग ही नहीं रहा था। एक बार इधर जा रहा था, एक बार उधर जा रहा था। इसके बाद मैंने अपने गुप्त सूत्रों से पता लगाया कि माइनक्राफ्ट पी में एम परफेक्ट करने के लिए कीबोर्ड और माउस से खेलना पड़ता है। फिर क्या, मैंने फटाफट जाके फ्लिपकार्ट में कीबोर्ड और माउस सर्च किया और उसका प्राइस मुझे कह रहा था अब क्यों कहते तो बाहर का ही है। और यहाँ भी अपनी घंघोर बेइज्जती करवाने के बाद मैं बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से खेती बाड़ी करने लगा। Much, much, much later। और देखते ही देखते मैं इतना अमीर बन गया कि मैं अंबानी जी को महीने का 200 रुपया देने लगा। जियो के सिम कार्ड में 200 का रिचार्ज करवाता हूँ ना हर महीना, इसीलिए। फिर मैंने फटाफट जाके फ्लिपकार्ट में कीबोर्ड और माउस ऑर्डर कर दिया और अब मिलते हैं 8 दिन बाद। One eternity later। करीब करीब 7-8 दिन बाद यहाँ पर हमारा पार्सल आ चुका है और आप लोग देख सकते हैं ये अभी भी सील पैक है। मैंने सोचा था कि आप लोग के सामने ही खोलूंगा इसको, मुझे तो थोड़ा सा भी सबर नहीं हो रहा। चलिए फटाफट से इसको काटते हैं और हम इसको काटने वाला है इस तलवार से। मैं कोई चाकू वगैरह का यूज इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या पता यूट्यूब गाइडलाइन स्ट्राइक दे दे। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। बाय द वे इसको भी कम मत समझो, ये भी बहुत अच्छे से काट देगी। हाँ लेकिन आपके गर्लफ्रेंड ने जैसा काटा था वैसा नहीं काट पाएगी। इमोशनल डैमेज। तो चलिए फटाफट से इसको काटते हैं। और मैं कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सर तो नहीं हूँ, मैं पहली बार ऐसा कुछ अनबॉक्स करने जा रहा हूँ तो आप लोग समझ ही सकते हो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। लुक एट दिस गाइज, फाइनली हमारा कीबोर्ड एंड माउस हमारे हाथ में। और एक चीज देख रहे हो यहाँ पे बबल रैप। ओहो, सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में, सबसे पहले हम लोग बबल रैप फोड़ेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि किस किस को ये बबल रैप फोड़ना अच्छा लगता है। मुझे तो ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। खैर इसको हम लोग बाद में फोड़ेंगे, इसको भी रखते हैं साइड में। तो मैंने यहाँ पे 3-in-1 कॉम्बो मंगवाया था, तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले ये ज़ेब्रोनिस का कीबोर्ड जो कि हम लोग अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या क्या है। और ये है एक USB हब जो कि हम लोग इन सब को जोड़ने के लिए काम आता है, इसको भी अभी साइड में रख देते हैं। और ये है हमारे पास एक चूहा मतलब माउस। चिंता मत करो, अभी मैं इन सब को खोल के भी दिखाऊंगा और देखते हैं क्या है इसमें। ओहो यहाँ पे तो और एक चीज है, फ्लिपकार्ट द्वारा यहाँ पे प्रेम पत्र। सॉरी गाइज ये मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता। तो इस प्रेम पत्र को मैं बाद में आराम से पढ़ूंगा, अभी इसको बॉक्स में भर के साइड कर देते हैं। और अभी लेते हैं हमारा माउस और इसको खोल के देखते हैं कि कैसा चूहा निकलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर का चूहा निकला है गाइस। वायर मैंने सोचा नहीं थी कि ये वाला माउस इतना अच्छा निकलेगा, दिखने में भी ये काफी अच्छा है और बटन वगैरह भी सही से काम कर रहा है अभी। खैर इसको बाद में कनेक्ट करके देखेंगे और कंफर्टेबल भी है पकड़ने में भी। तो अब लेते हैं हमारा USB अब जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इन सबको जोड़ने के लिए। तो इसको भी खोल के देखते हैं अच्छे से। तो ये है हमारा छोटा सा USB अब जो कि मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसको फोकस करता हूँ फटाफट से। अबे फोकस हो जा भाई। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे सामने में 3 पोर्ट है और इसके पीछे में भी एक पोर्ट है, पीछे मतलब उसके साइड में। एंड फाइनली अब है हमारा कीबोर्ड का बारी। बट पता नहीं मुझे यहाँ पे पहले से कुछ छेद क्यों दिख रहे हैं। मुझे तो अब ये डर लग रहा है कहीं ये डिफेक्टिव ना निकल जाए, बहुत मुश्किल से लिया हूँ यार, प्लीज भगवान डिफेक्टिव ना निकले। चलिए जल्दी से इसको खोल के देखते हैं तभी पता चलेगा। तो इन्होंने मुझे ये पन्नी में बांध के दिया है, तो फटाफट से इस पन्नी को हटाते हैं सबसे पहले। और दिखने में तो कुछ ऐसा डिफेक्टिव पीस नहीं लग रहा है और बटन भी शायद सही से काम कर रहा है। यस बटन भी कुछ अटक वटक नहीं रहा है और आप यहाँ से पियानो भी बजा सकते हैं। हाँ खैर बजेगा नहीं वो अलग बात है क्योंकि पियानो थोड़ी है यार। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो ये हमारा कीबोर्ड और ये हमारा प्यारा सा माउस जो कि काफी कंफर्टेबल है। और ये हमारा छोटा सा एक USB हब जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन तीनों को मिला के मुझे पड़ा था टोटल 609 रुपए। और ये हमारा OTG जो कि सबसे ज्यादा मेन है इन सबको जोड़ने के लिए। और ये मैंने ऑफलाइन में परचेस किया था और इसका मुझे पड़ा था 50 रुपए, ज्यादा नहीं बस 50 रुपए ही पड़ा था। और ये छोटा चीज ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं ये एक USB OTG है। चलिए अब इन सबको फटाफट से जोड़ के देखते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा
एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे थोड़ा सा भी वेट नहीं हो रहा है। A few moments later, जिसका डर था वही हुआ गाइज, अनफॉर्चुनेटली हम लोग को सच्चे में डिफेक्टिव पीस मिल गया है। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइज, मैं पिछले 2-3 घंटे से उसी में लगा पड़ा हूँ। मैं कनेक्ट करने का बहुत ट्राई किया बट कनेक्ट ही नहीं हो रहा, एकदम लाइन ही नहीं आ रहा। और अगर कीबोर्ड में थोड़ा बहुत लाइन आ रहा है लेकिन उसमें भी एक दो बटन काम नहीं कर रहा, और माउस में तो एकदम लाइन ही नहीं आ रहा। मैंने पीसी में भी कनेक्ट करके देख लिया बट नहीं हो रहा, बट मैंने इसको रिप्लेस भी कर दिया, आप लोग देख ही सकते हो। आई होप रिप्लेस होके अच्छा ही आए। रिप्लेस हो जाने के बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोग को कनेक्ट करना भी सिखा दूंगा और कैसे खेलते हैं कीबोर्ड और माउस में वो भी सिखा दूंगा। चलिए ज्यादा मूड खराब नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।